भारतीयों का विरोध रंग लाया। ब्रिटेन की नई महारानी नहीं पहनेंगी कोहिनूर जड़ाताज। ब्रिटेन के राज परिवार से जुड़े एक मुकुट में कोहिनूर हीरा लगा हुआ है। भारतीय लंबे समय से इस हीरे की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि उपनिवेश के दौरान इसे ब्रिटेन अपने साथ ले गया था। ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स की पत्नी रानी कैमिला ने फैसला किया है कि वह राज्याभिषेक में यह ताज नहीं पहनेंगी। ब्रिटेन में किंग चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक समारोह में उनकी पत्नी रानी कैमिला ने कोहिनूर हीरा जड़े विवादित मुकुट को न पहनने का फैसला किया है। भारतीय समुदाय के लोग इसका विरोध करते रहे हैं और कोहिनूर को औपनिवेशिक युग की पहचान बताते रहे हैं। वेस्टमिंस्टर एबे में राज्याभिषेक के लिए कैमिला ने क्वीन मैरी के ताज को पहनने का फैसला किया है। राजा चार्ल्स का राज्याभिषेक 6 मई को होगा। राज परिवार की ओर से कहा गया है कि राज्याभिषेक के लिए क्राउन को लंदन के टॉवर में प्रदर्शन से हटा दिया गया है। इस क्राउन में कोहिनूर की तरह दिखने वाला एक हीरा लगा हुआ है। अभी तक यह पता नहीं चला है कि क्या यह राज्याभिषेक के लिए बरकरार रहेगा या नहीं। बकिंगम पैलेस ने एक बयान में कहा, महामहिम की ओर से क्वीन मैरी के क्राउन का चुनाव हाल ही के इतिहास में पहली बार हुआ है। माना जा रहा था कि कैमिला क्वीन एलिजाबेथ की मां का ताज राज्याभिषेक के लिए चुनेंगी, जिस पर कोहिनूर हीरा लगा हुआ है। हालांकि इस फैसले के पीछे एक कूटनीतिक सहनशीलता माना जा रहा है। भारत से ब्रिटेन गया था कोहिनूर। कोहिनूर हीरे वाला ताज भले कैमिला ना पहने, लेकिन क्वीन मैरी के क्राउन पर भी विवादास्पद हीरे जड़े हुए हैं। कोहिनूर हीरे का एक विवादास्पद इतिहास रहा है। भारत पर अपने शासन के दौरान अंग्रेज इसे महाराजा रणजीत सिंह के खजाने से ले गए थे। तब से यह ब्रिटिश ताज की शोभा बढ़ाता रहा है। क्वीन मैरी के क्राउन में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को श्रद्धांजलि देने से जुड़े कुछ बदलाव भी किए जाएंगे। महारानी एलिजाबेथ के व्यक्तिगत आभूषणों से जुड़े कुछ कलीनन हीरो का इसमें लगाए जाएंगे। राजा एडवर्ड का ताज पहनेंगे चार्ल्स। इस बीच महल ने इस बात की पुष्टि की है कि सेंट एडवर्ड का ताज किंग चार्ल्स के राज्याभिषेक के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस मुकुट को भी लंदन के टॉवर में सार्वजनिक प्रदर्शनी से हटा लिया गया है। महारानी एलिजाबेथ का पिछले साल 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। दुनिया भर से उनके प्रशंसकों ने पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। भारत के राष्ट्रपति ने भी ब्रिटेन में उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। क्वीन के निधन के बाद उनके बेटे चार्ल्स अब राजा हैं।